आईटीआई देखे सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको मेगर से केबल वायर और मोटर की वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध मापना सिखाएंगे। पहले अपन केबल का इंसुलेशन मापेंगे, इंसुलेशन का प्रतिरोध, और उसके बाद में मोटर की जो वाइंडिंग होती है, मोटर में कोई में दो वाइंडिंग होती है, किसी में तीन वाइंडिंग होती है, तो उन वाइंडिंगों के बीच भी प्रतिरोध होता है। अगर उनके बीच प्रतिरोध नहीं होगा तो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो पहला प्रैक्टिकल तो है अपना इसमें केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापना, और इसी में दूसरा प्रैक्टिकल क्या होगा, मोटर की वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध मापना। यह है मेगर। मेगर मापक यंत्र से अपन केबल हो या अचालक इंसुलेशन प्रतिरोध मापते हैं। इसके अंदर दो प्रकार के आते हैं, ये भी एक तो होती है मैनुअली और एक होता है डिजिटल। ये डिजिटल में है, मैनुअल को हाथ से घुमाना पड़ता है। जैसे अपने पास एक अर्थ टेस्टर हाथ से घुमाने वाला, उसी के समान ही रहेगा वो भी। इसमें दो लीड निकलती है, एक पी और एक सी, ठीक है, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल, ठीक है। प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल दोनों को जैसे अपन आर का मान निकालते हैं तो V में I का भाग देते हैं, वोल्टेज में करंट का भाग देते हैं, तो ये मेजर करके अपने को रेजिस्टेंस बता देता है। इसमें एक तो होता है फ्यूज और एक होता है इसका स्विच, पुश बटन स्विच। आपको केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापने से पहले क्या करना होगा, इन दोनों केबल को आपस में क्या करना है, शॉर्ट करना है। इसको हाथ से टच नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना है कि ये 500 वोल्ट DC सप्लाई जनरेट करता है तो एक झटका महसूस होता है, ठीक है। और स्विच को अपने ऑन पुश को दबाएंगे तो ये इसकी जो रीडिंग सुई है, ठीक है, ये क्या करेगी, विक्षेप करेगी, ठीक है। कि कौन सी साइड में कर रही है, अनंत से जीरो की साइड में, कि इस वायर में इंसुलेशन प्रतिरोध नहीं, इंसुलेशन नहीं है, आपस में अपन ने शॉर्ट कर दिया, तो इसका प्रतिरोध कितना दिखा रही है, जीरो। अब केबल के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापते हैं अपन, तो इसमें 8 से 10 पॉइंट होते हैं मापने के। जैसे 3 कोर केबल है, ये तो 4 कोर हो गई है ना, 3 फेज है और 1 न्यूट्रल है। अब इसकी लीड को अपन प्रेशर जो कवाइल होती है इस लीड को तो लगाएंगे इस चालक पर, और करंट कवाइल की जो लीड होती है इसको लगा देंगे अपने इंसुलेशन पर। ये करंट कॉइल वैसे लगा दो कैसे भी आप, रेड कलर की होती है वो प्रेशर कॉइल होती है, ये होती है करंट कॉइल की, ठीक है। एक फेज मान लेना, एक न्यूट्रल मान लेना, ठीक है, आप कलर कोड के अनुसार कैसे भी आप लगा सकते हो। इसको उल्टा भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लग गया, एक वायर को तो लगा दिया हमने केबल के चालक पर, दूसरा लगा दिया इंसुलेशन पर। अब इसको पुश बटन को दबाएंगे तो ये सुई अनंत दर्शाएगी, इंसुलेशन सही। अगर 80 मेगा ओम, ये मेगा ओम में दर्शाएगा माप, 80 मेगा ओम से कम दर्शा रहा है अगर इंसुलेशन प्रतिरोध, तो उस वायर को काम में नहीं लेना है। वो क्या है, इसमें करंट प्रवाहित करेंगे अपन तो गर्म होके क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा, दो वायर आपस में शॉर्ट हो जाए, ठीक है। 80 ओम से अधिक होना चाहिए, मेगा ओम से अधिक, ठीक है। अब इसमें अनंत आ रहा है तो इसमें 80 से बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी प्रकार आपको बारी बारी से 4 कोर केबल हो तो 4 कोर में करना है, 3 कोर हो तो 3 कोर में, 6 कोर हो तो 6 कोर में, सबको क्या करना है, चेक करना है इसी प्रकार, ठीक है। इसमें भी अनंत आ रहा है, 3 में लगाएंगे, इसमें भी क्या होगा, अनंत आ रहा है, 4 नंबर में लगाएंगे तो इसमें भी क्या है, अनंत है, ठीक है। तो इस केबल में जो एक कोर है, 4 कोर है, चालक और इस इंसुलेशन के बीच प्रतिरोध अनंत है, कितना है, अनंत। अब चालक और जो कोर के ऊपर भी जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ है इसका भी मापना आपको, ये भी क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। अगर केबल आर्मड हो तो उस आर्मड पर भी क्या करना है, इसको
कनेक्ट करना है, आर्मड पे कनेक्ट करके भी आपको क्या करना है देखना है, ठीक है। आना चाहिए अनंत। अब मान लो कि ये अंडरग्राउंड केबल है और ये आपस में कहीं से शॉर्ट हो गई, ये मान लो ये दो वायर आपस में शॉर्ट है, तो अब तो माप रहे थे अपने केबल और इंसुलेशन का, अब दोनों कोर के बीच प्रतिरोध मापना आपको, ठीक है। तो ये अगर शॉर्ट रहेगी तो ये जीरो रीडिंग देगा, अगर शॉर्ट नहीं है तो अनंत रीडिंग देगा, ठीक है। अब अपन बारी बारी से पहले आर फेज, आर और न्यूट्रल के बीच मापते हैं, दबाएंगे अनंत आ गए। न्यूट्रल को फिक्स रखो, बारी बारी से तीनों फेज का मापना है, इसके बीच में भी अनंत है, तीन नंबर फेज में लगाया इसमें भी अनंत, तीनों फेज और न्यूट्रल के मध्य भी क्या है प्रतिरोध अनंत है। अब फेज और फेज के बीच में मापना है, पहले माप देते हैं अपन आर और वाई के बीच, वार और वाई के बीच प्रतिरोध आ गया जीरो, ये शॉर्ट है, कहां से है ये शॉर्ट की हुई, ठीक है। अगर इंसुलेशन कहीं से कट गया हो, आपस में कहीं से टच है, तो ये क्या दिखा देगा जीरो दिखा, ठीक है। आर और वाई क्या है शॉर्ट है, जबकि वाई और बी का मापते हैं तो इसमें क्या आ गया इंफिनिटिव आ गया, ठीक। ये तो हो गया केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध, जो शॉर्ट होगा उसमें जीरो आ जाएगा, जो शॉर्ट नहीं होगा उसमें इंफिनिट, ठीक है। इस प्रकार केबल का इंसुलेशन मापना, कोई वायरिंग है अनंत और ये भी, अब वहां से आप इसको शॉर्ट करो दूर से करो, इस ये दोनों सही है रेड और इसको शॉर्ट होते ही आ गए जीरो, ठीक है। इस प्रकार तो करना आपको केबल या वायर का इंसुलेशन, आ गया समझ में। अब अपन करते हैं मोटर की वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध, हाँ कंटिन्यूटी में भी हो सकता है, इसका कंटिन्यूटी आ गई ना, ये आ गई, अगर ये वायर दोनों आपस में वहां शॉर्ट है तो कंटिन्यूटी आ गई, इसमें रेजिस्टेंस नहीं देखना आपको, फिर कंटिन्यूटी देखना है, ये सुई बिलिंग करे तो मान लेना कि ये बिलिंग करेगा, हाँ कंटिन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ उसके माध्यम से बताएंगे आप। अब अपने ये डीसी मशीन है और डीसी मशीन में डीसी सीरीज मशीन है, डीसी सीरीज मशीन में दो वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी, आर्मेचर वाइंडिंग होती है और फील्ड वाइंडिंग होती है। अब मेगर से आपको इन वाइंडिंगों के बीच, आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस मापना है, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। पहले तो आपको कंटिन्यूटी देखनी है, ये चार टर्मिनल है, इनमें दो दो टर्मिनल कौन कौन से हैं वाइंडिंग के, क्यों अब ये पता नहीं कि कौन सा वाइंडिंग का कौन सा टर्मिनल, तो आपको रेजिस्टेंस देखकर तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का पता लगाना है, और इससे कंटिन्यूटी देकर आपको दोनों वाइंडिंग के दो दो वायर अलग निकालने हैं। तो कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करनी है आपको, ये मेगर के दो जो कनेक्टिंग केबल है इनको किसी भी एक वायर पर एक को कनेक्ट कर देना है। अब बारी बारी से दूसरी को टच करेंगे और इस पुश बटन को दबाएंगे तो कंटिन्यूटी आ गई, तो ये कंटिन्यूटी आ रही है ना, ये एक वाइंडिंग के सिरे, किसी एक वाइंडिंग के सिरे। अब ये कलर कोड से भी साबित हो रहा है कि ये जो ब्लैक कलर का है ये एक वाइंडिंग का है और ये रेड कलर का है दूसरी, ठीक है। अब आपको इसका रेजिस्टेंस कैसे मापना है, मेगर के दोनों वायर, दोनों वाइंडिंग के किसी भी एक एक पर क्या करना आपको कनेक्ट कर देना, एक तो हो गया और दूसरा इस पर करना है, तभी तो पता चलेगा दोनों वाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन, एक को आपको छोड़ देना। अब इनको आपस में क्या करेंगे अपने, अलग अलग, और पुश बटन को दबाएंगे, रेजिस्टेंस का मान आना चाहिए इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसको अपन कनेक्ट किया और इसको दबाएंगे तो क्या होगा, ये शॉर्ट हो, क्यों कंटिन्यूटी आ गई ना, सीरीज में हो गई दोनों वाइंडिंग,
तो इसमें रेजिस्टेंस का मान दिखा दिया, ये अलग अलग होनी चाहिए तभी इसका मान अनंत आएगा। ठीक है, इस प्रकार कोई भी मोटर की, कोई भी जनरेटर की अगर वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध मापवाए आपसे तो इस प्रकार आपको माप, ये प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट में बार बार पूछते हैं, केबल का भी पूछते हैं और मोटर की वाइंडिंग का इंसुलेशन भी पूछते हैं मेगर की सहायता से। ठीक है, मेगर का, मेगर से इंसुलेशन प्रतिरोध हमेशा मेगा ओम में ही मापा जाए। ठीक है, इसमें जीरो आएगा तो ये जैसे मान लो कि एक मान दर्शा दिया तो एक मेगा ओम कितना हो गया, एक मेगा ओम, तो इतना एक मेगा ओम का इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग का 5 से 7 ओम आता है, आर्मेचर वाइंडिंग का 3 से 4 ओम आता है, तो 5-4 ओम का मान ये दर्शाएगा नहीं, ये आपको मल्टीमीटर से या ओममीटर से देखना हो। ठीक है, इससे अपन कंटिन्यूटी देख सकते हैं प्लस इंसुलेशन का प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध मान देख सकते। आ गई बात समझ में? इनका ये तो एक ही हो गई ना वाइंडिंग, ये तो एक हो गया, शॉर्ट हो गई अंदर से आ गई, एक वाइंडिंग ये और एक ये वाइंडिंग, अगर दोनों वाइंडिंग अंदर से शॉर्ट होती तो ये डिफ्लेक्शन देता, शॉर्ट नहीं है तो सही सही है। वाइंडिंग किस सिरे को पता चलता है हैं, कौन सी वाइंडिंग किस सिरे, वाइंडिंग किस सिरे को पता चल जाता है? नहीं, इससे कोई पता नहीं चलेगा, पता आपको रेजिस्टेंस देख के पता लगाना है, मल्टीमीटर। हाँ, बाहर से पता लगा देंगे अपन, इससे डीसी सीरीज मोटर का जब प्रैक्टिकल होगा तब बता दूंगा मैं, है ना भाई, कि टेस्ट करना पड़ता है इसमें, है ना।